क्या करोगे चाचा? इस बस में ब्रेक नीचे नहीं है, सामने जो रेड बटन दिख रहा है ना, दबा दियो। उसे नहीं दबाना है, वो स्पीड ब्रेकर कंट्रोलर है। उस रेड बटन के पास जो ग्रीन बटन है उसे दबाओ। ओए, ग्रीन बटन दबाने पर भी ब्रेक नहीं लग रही। लगता है ये हैकर ब्रेक्स भी कंट्रोल कर रहा है। चाचू, अब आप सिर्फ स्टीयरिंग पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। खोजी अंकल, हमें जल्दी से हैकर की लोकेशन पता लगानी होगी और उसे रोकना होगा। ओह नो, ये आदमी तो मेरे लैब से ही ऑपरेट कर रहा है। और मैं और बहादुर यहाँ बस के पास रहते हैं। भतीजे, तू खोजी के साथ उसकी लैब में जाकर पता लगा, जल्दी। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये नोट कैसा? मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। ये आदमी बड़ा चालाक है भतीजे, अब हम उसे कैसे पकड़ेंगे? इस एम को ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ एक ही आदमी को जानता हूँ जो इस तरह से एम लिखता है। मनमौजी! अब तू नहीं बच पाएगा मनमौजी। खोजी अंकल, जल्दी से फंटूश नगर की सीसीटीवी में देखो, कहीं मनमौजी वहाँ तो नहीं। वैन को देखिए जो बस का पीछा कर रही है, इसे बटुक चला रहा है, यानी मनमौजी इसी वैन के अंदर है। मैं अभी आया खोजी अंकल। शाबाश भतीजे। सर, आपका भेलपुरी का ऑर्डर लाया हूँ। होम डिलीवरी तो सुना था, चलती गाड़ी में डिलीवरी पहली बार सुन रहा हूँ। जो मेरे टैलेंट को पहचान पाई। रम मिक्री, तू यहाँ? तो फिर वो चोर कौन था? जब भी मैं कोई चोरी करता हूँ, ये भतीजे को कैसे पता चल जाता है? तुझे तो वहाँ भागना है। चाचू, आपने यहाँ किसी चोर को भागते हुए देखा? हाँ, वो उस तरफ भागा है। ओहो बिट्टू, तू फिर से शुरू हो गया। मैंने कहा ना, मैंने तुझे माफ किया, अब बस भी कर। नहीं, भूलने की एक्टिंग कर रहे थे, जैसे तुम्हारे मिमिक्री अंकल चोर बनने की एक्टिंग करके तुम्हें यहाँ ले आए। और सब मेरी बात ध्यान से सुनो, मिमिक्री हमारे साथ ही था, यानी भतीजा कोई असली चोर का पीछा कर रहा था, ढूंढो उसे। कहीं ये तो नहीं, नहीं। ये बच्चा तो कहाँ फंस गया मैं?
ओ चाचा, हम भतीजा को सरप्राइज देने जा रहे थे, इस चोर ने हमें ही सरप्राइज कर दिया। पर चोर मेरे हाथ से बचकर जा नहीं सकता। ओए भतीजे माफ करना, पहुंचने में जरा सी देर होगी। कैसा लगा सरप्राइज? अरे चाचे तू वहाँ, तो फिर ये कौन सा है? तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। मेरी आवाज वापस आ गई। चाचा तुझे एक सरप्राइज पार्टी देने वाला है। इतनी मिमिक्री सब चाचा के साथ मिले हुए हैं। मैंने तेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया है ना? ओहो बिट्टू, मुझे चाचू के सरप्राइज ढूंढ लिया। ओए भतीजे, ये प्यारा अप्पू हाथी तो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। चाचू इससे कहिए कि हम इसकी माँ को ढूंढने में इसकी मदद करेंगे। अब इसे घर या दुकान को तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। वाह, चाचा और भतीजा ने तो कमाल कर दिया। हम इस फ्रूट मार्केट में क्या कर रहे हैं भतीजे? हमें तो अप्पू की माँ को ढूंढना चाहिए। चाचू अगर किसी ने हाथी को पकड़ रखा है तो उसके खाने के लिए बड़ी मात्रा में फल ले जाता होगा, इसलिए हम यहाँ हैं। ओए वाह भतीजे, तेरी सोच का जवाब नहीं। हाँ, कल एक आदमी आया तो था और 200 केले और 300 गन्ने ले गया। मेरी तो लॉटरी लग गई है। दूधनी जी, ओए भतीजे, अप्पू कह रहा है कि इसी आदमी ने उसकी माँ को पकड़ा था। खाना लाया हूँ। 20 आदमी का खाना खाएगी पर 100 आदमी का काम करेगी। जल्दी से खाओ और क्रूर सिंह के काम पर लग जाओ। इन सारी लकड़ियों को खींच कर तुझे बहुत दूर ले जाना है। अच्छा, गुस्सा दिखाती है। ठीक है, मत खा, भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। चाचू यही मौका है, अप्पू की माँ के पास जाइए और उसे कहिए कि हम उसे छुड़ाने आ गए हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है। अप्पू की मम्मी जी नमस्ते। हम यहाँ आपको छुड़ाने आए हैं, अप्पू भी हमारे साथ है। ये कौन आ गया, बोल क्या रहा है? लगता है इन्हीं के साथ है। अरे ये क्या हो गया, चाचू तो बेहोश। चल भाग नीचे। वरना जितनी एनर्जी पाई है वो सारी इस खाऊस औरत से बचने में खर्च कर देंगे। आइडिया, चाचू खाई की तरफ भागो। वेरी गुड।
लेवल 2 कंप्लीट। शाबाश। चाचू गेम में आगे खोजी अंकल की लैब बनी है, अगर हम वहाँ तक पहुँच जाएं तो असली दुनिया में खोजी अंकल की लैब में बाहर निकल आएंगे। खोजी भी गेम में है, ये हमारी मदद जरूर करेंगे। खोजी अंकल कभी रेड चश्मा नहीं पहनते। चाचू रुको, ये खोजी अंकल नहीं मनमौजी है। ओए तोखा, भतीजे बचा। भतीजे अगर तुम जोगावर का मुकाबला करके उसे हरा दो तो यहाँ से बाहर जा सकते हो, पर अगर तुम हार गए तो जिंदगी भर इसी वीडियो गेम के अंदर फंसे रहोगे। देख लेंगे। ये तो चीटिंग है, भतीजा एक और जोगावर अनेक। मुझे अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करनी है, बंदूकने की लात। ये ये तो खत्म नहीं होते और मेरी एनर्जी भी कम हो रही है।